स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एलवी प्रसाद, जिनका पूरा नाम अक्किनी लक्ष्मी बोरा प्रसाद राव है, इनके फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे। इन्होंने ज़्यादातर मूवीज़ तेलुगु लैंग्वेज में बनाई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लें। एलवी प्रसाद जी के डायरेक्शन में सबसे पहली मूवी आई थी 1957 में, हिंदी मूवी जिसका नाम था मिस मैरी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जेमिनी गणेशन, मीना कुमारी, किशोर कुमार, जमुना अचला सचदेव और ओम प्रकाश। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शारदा। इस मूवी का प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों एलवी प्रसाद जी ने किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे राज कपूर, मीना कुमारी, श्यामा, अनीता गुहा, मनोरमा, ओम प्रकाश, आगा और राज मेहरा। इस मूवी का बजट था 35 लाख। इस मूवी ने भारत में 50 लाख की और दुनिया में 1 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1959 में जिसका नाम था छोटी बहन। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों एलवी प्रसाद ने किया था। इसमें बलराज साहनी, नंदा, शोभा खोटे, श्यामा, महमूद रहमान और जुगल थे। इस मूवी का बजट था 35 लाख। इस मूवी ने भारत में 60 लाख की और दुनिया में 1 करोड़ 20 लाख की कमाई की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1964 में जिसका नाम था बेटी बेटे। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों एलवी प्रसाद ने किया था। इस मूवी में लीड कास्ट में थे सुनील दत्त, जमुना, शोभा खोटे, दुलारी वी, सरोजा देवी, महमूद और जयंत आगा। इस मूवी का बजट था 45 लाख। इस मूवी ने भारत में कमाई की 80 लाख की और दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1966 में जिसका नाम था दादी माँ। इसको डायरेक्ट किया था एलवी प्रसाद जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, बीना राय, दुर्गा खोटे, शशिकला, मुमताज, तनुजा, महमूद और कन्हैया लाल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। एलवी प्रसाद जी के प्रोडक्शन और डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1969 में जिसका नाम था जीने की राह। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जितेंद्र, तनुजा, संजीव कुमार, अंजलि कदम, दुर्गा खोटे, जगदीप और करण धवन। इस मूवी का बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ 60 लाख की, दुनिया में 3 करोड़ 20 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1972 में जिसका नाम था शादी के बाद। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों एलवी प्रसाद जी ने किया था। इसमें लीड कास्ट में थे जितेंद्र, राखी गुलजार, शत्रुघ्न सिन्हा, लीला मिश्रा, कुमारी नाज और असरानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1974 में आई थी जिसका नाम था विदाई। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन दोनों एलवी प्रसाद जी ने किया था। इसमें लीड कास्ट में थे जितेंद्र, लीना चंदावरकर, दुर्गा खोटे, अपर्णा चौधरी, असरानी, जगदीप और अनवर हुसैन। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 20 लाख। इस मूवी ने भारत में 2 करोड़ 20 लाख की और दुनिया में 3 करोड़ 4 करोड़ 40 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। एलवी प्रसाद जी के प्रोडक्शन और डायरेक्शन में अगली मूवी आई थी 1977 में जिसका नाम था जय विजय। इस मूवी में लीड कास्ट में थे जितेंद्र, रीना राय, प्रेम किशन, बिंदिया गोस्वामी, उर्मिला भट्ट, जगदीप, ओम शिवपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। एलवी प्रसाद जी की ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एलवी प्रसाद जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।